नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चले बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राज्य सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से विधानसभा सदस्यों के साथ बदसलूकी की वारदातों के विरोध में बिहार के समस्तीपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में केरपुरी आश्रम में चलाकर स्टेडियम गोल पर जमा हो गए और इसी के साथ राजद नेताओं ने राज्य में सशस्त्र कानून रद्द किए जाने पर बेरोजगारों व्यक्तियों युवाओं की बेरोजगारी की समस्याओं छात्रा को उचित शिक्षा व्यवस्था बहाल किए जाने किसान विरोधी बिल को वापस करने संबंधित गगनभेदी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर जिला राजद प्रवक्ता राजेश कुमार ठाकुर, दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सत्यविंद पासवान, राजद अध्यक्ष राजेंद्र साहनी, राजद उपाध्यक्ष अरमान सदरी, राजेश्वर महतो, युवा जिला अध्यक्ष राजू यादव, शत्रुघ्न यादव, मोहम्मद अमरोज मेहता आलम, राजेश शाह, सतीश यादव, कार्यालय सचिव रोशन कुमार यादव, प्रसाद यादव, लाल बहादुर, पंडित राम, विनोद पासवान, संजय नायक, विश्वनाथ राम, राजेंद्र राम, सूरज दास, ज्योतिष महतो, मनोज पटेल, परमानंद यादव इत्यादि से करो पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। सिंघिया प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने प्रखंड के सुभाष चौक से पैदल मार्च करते हुए प्रखंड मुख्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। राज्य कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों बिहार विधानसभा से पारित सशस्त्र बिल 2021 के विरोध कार्यक्रम को अंजाम दिया था। कार्यकर्ताओं ने जन विरोधी कानून, सशस्त्र बिल वापस करने, बेरोजगार व्यक्तियों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने, इसी के साथ आंदोलन में शामिल किसानों की जायज मांगों को अब तक पूरा नहीं किए जाने और छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं दी जाने के विरोध में सरकारी विरोध नारे लगाए। कार्यक्रम में पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद अनवर उल हक, पूर्व विश्वोत्री अध्यक्ष रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, राजद मजदूर सेल के प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार यादव, मोहम्मद उमर फारूक, सफरुद्दीन शाह, वरिष्ठ राजनेता सुनील कुमार सिंह, बीएन कपिल कुमार साहू, सुशील कुमार सिंह, राम बालक यादव, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद नूर हसन, मोहम्मद जफीरुल नंदाफाक इत्यादि दर्शनों कर्जकर्ता पांची पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार में ये जो लाठी चार्ज किया गया है, ये जो कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया गया है, माननीय विधायक को घायल कर दिया है, ये जो अंग्रेजी हुकूमत का कानून है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। किसान विरोधी कानून का हम विरोध करते हैं। नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अभी तक कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। महंगाई पर GST लगाने के लिए कोई काम नहीं हुआ। डीजल और पेट्रोल के दाम, गैस के दाम पर कोई रोक नहीं लगाया गया। तो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जितना भी लाठीचार्ज होगा, जितना भी गोली चलेगा, कोई भी कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है। लाठी चले तो चलने दो। ये धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय में किस उद्देश्य के तहत ये किया जा रहा है? हम लोगों का धरना प्रदर्शन कल बिहार में गलत कानून लाकर, लोकतंत्र विरोधी कानून लाकर, जन विरोधी कानून लाकर विधेयक लाया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया। उस पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को, महिलाओं को, महिला विधायकों को घसीट कर पीटा गया। इतना ही नहीं, जब लोकतांत्रिक तरीके से नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों की जन समस्याओं को लेकर राज्यपाल भवन, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जब मार्च कर रहे थे, तो उस पर लाठी चार्ज किया गया। हम उस घटना का निंदा करने के लिए आज इस धरना और प्रदर्शन में आए हैं कि नीतीश कुमार, आपके बाजू में कितना दम है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को की आवाज़ को आप लाठी, गोली और बंदूक से जेल के हवाले करके दबा नहीं सकते हैं। दो महीना, तीन महीना से किसान मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
तनवीर अब्दुल आबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तनवीर हसन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जगदानंद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल से आम लोगों को क्या क्षति क्या नुकसान होने वाला है? बिहार सशस्त्र बिल अधिनियम 2021 जो विधानसभा में पारित किया गया है, ये पुलिस की दमनकारी नीति वाला बिल है। इसका विरोध हमारी पार्टी विधानसभा से लेकर के सदन से लेकर के सदन के बाहर करती है और करती रहेगी। इसके खिलाफ कल जो लाठी चार्ज किया गया है वो घोर निंदनीय है। इस बिल में सरकार ने ये पारित किया है कि पुलिस बगैर वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकती है और बगैर वारंट के किसी के घर में सर्च कर सकती है। साथ ही अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जब तक वरीय पदाधिकारी आपको इसकी आज्ञा नहीं देती है। इसलिए हमारी पार्टी नीचे से लेकर के ऊपर स्तर तक इस बिल का विरोध करती है। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं मानना है कि हम पुलिस सशस्त्र बिल लागू करके शराबबंदी में ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। आप तो जब से शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ है पुलिस भी सक्रिय है, फिर भी इस कार्यक्रम में कहां तक सरकार को सफलता मिली है ये देखने की बात है। जीता जागता नमूना है। आए दिन शराब का खेप पकड़ाया जाता है, आए दिन लोग अरेस्ट होते हैं, दो महीना के बाद एक महीना के बाद या तो उसे थाना से छोड़ दिया जाता है या नहीं तो उसको बेल दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें लोच तो ज़रूर है। यादव मधु सेल के प्रखंड अध्यक्ष, जो कल घटना घटी थी उसमें हम भी निंदा करते हैं और दूसरी बात शहीद दिवस पर वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट ने जय हिंद सामाजिक संस्थान एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। सहारनपुर वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट एवं जय हिंद सामाजिक संस्थान द्वारा प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गौ देवी मंदिर गौशाला भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा गया है। इसी के साथ निरंतर देशभक्ति युवाओं में पैदा करना उनका मिशन है जो आखिरी सांस तक जारी रहेगा। भगत सिंह एक क्रांतिकारी विचित्र वीर विचार और चरित्र का नाम था और उन्होंने कहा कि इस दौरान सारिका गुप्ता, उमंग शर्मा, विजय गर्ग, पुनित सिंह चौधरी, विश्व कम्बोज हिंदू महासभा के रुद्र शिवा, पंडित पूनम सिंह पुंडीर, सीमा गुप्ता, सूर्यकांत त्यागी, पंडित कपिल कौशिक, शिव शिवम, रोहित सुधीर गुंबर, गगन गुंबर, विक्की गोरा, गोविंद गुज्जर, अमन राणा, विवेक प्रताप सिंह राय, मनीष कुमार, वरुण प्रताप सिंह राय, प्रिया नारायण, शुभम कुमार मोंटी राणा, शुभम राणा, सागर वर्मा, सिमर मल्होत्रा, आयुष पंडित, श्यामाराम सोतिया मौजूद रहे। सोनभद्र जिले के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर आमजीह में तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर से कुचलकर मां बेटे की मौके पर मौत और पति गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस काफी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया गया और तीनों बाइकों पर सवार होकर रॉबर्ट्सगंज में मधुपुर की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। इस हादसे में प्रिया पत्नी पंकज 21 वर्षीय, काजल पुत्री पंकज 3 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई और पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों घुवास खुर्द रॉबर्ट्सगंज के रहने वाले थे। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसी के साथ ही गंभीर हालत में रूप में घायल हो गया। दरअसल हिनोता में ही एक निजी अस्पताल में इनका कोई सगा संबंधी अस्पताल में भर्ती था, उन्हीं को देखने के लिए युवक आए हुए थे और अचानक यह हादसा हो गया। इसी के साथ ही हादसे में स्थानीय लोगों ने व्यक्ति लोगों ने बताया है कि ये लोग घुवास के रहने वाले हैं, जबकि मृतक के परिजन पंकज का कहना है कि हिनोता में निजी अस्पताल में उसका साला एडमिट था। हॉस्पिटल के सामने रुकी रहे थे कि अनियंत्रित टैंकर ने पीछे से बाइक से को टक्कर मार दी, जिसमें महिला ने 3 वर्षीय बच्चे को टैंकर रहो देते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि सुकृत चौकी पुलिस के द्वारा टैंकर व चालक को पकड़ लिया गया। तो वही रुकने वाले थे, मेरा मतलब साला एडमिट था, मतलब बीमार था, तो मेरी बीवी बोली कि मत चलेंगे देखने के लिए, हम भी चले चलो तो हम लोग मतलब आ रहे थे, मतलब रुकने वाले थे, मतलब डबल क्रॉसिंग करके हम लोग को ढकेलते हुए चला गया। बताए मेरा हाथ वहाँ उसी में चले, मेरे बीवी बच्चा है। आप किस से थे? आप बाइक से थे सर। एक टैंकर से बाइक सवार को धक्का ओवरटेक करने के चक्कर में धक्का मर गया, जिसमें एक महिला और एक छोटी सी बच्ची 3 वर्ष की एक्सपायर कर गई और एक जेंट्स को चोट लगा है, वो घायल है, जिला अस्पताल में गाड़ी लेके गए। कौन सी जगह है ये? जगह है, इसको नौता माइनर बोला जाता है, जो आमडी में आता है। घटना का कारण क्या है, बता सकते हैं?
घटना का कारण गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से मारी है और उसका कोई रिश्तेदार है जो इस अस्पताल में भर्ती है उसको देखने ये लोग आए थे, घुवास खुर्द के हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़ी रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।